हेलो फ्रेंड्स, आपका एट्रैक्टिव होम क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक लेस या फिर बॉर्डर कैसे बनाया जाएगा क्रोशिया से, उसे बताने जा रही हूँ। इसे हम ब्लाउज बॉर्डर के ही रूप में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसे हम विभिन्न प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। ब्लाउज बॉर्डर, जैकेट में, इवन कि बेबी केप का बॉर्डर पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो आइए, इसे कैसे बनाया गया है उसके बारे में जानें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे यह दो कलर का ऊन लिया है। इसे किसी भी ऊन से बना सकते हैं, यानी कि 2-ply, 3-ply, 4-ply जिसे भी। तो आइए, स्टार्टिंग हम ग्रीन से करेंगे। सबसे पहले इस पे जो है एक नोट लगाएंगे, और हमने यहाँ पे क्रोशिया जो है 7 नंबर की यूज़ की है। आप अपने ऊन के अकॉर्डिंग क्रोशिया को यूज़ करें। ये देखिए, एक नोट बनाया। अब इस पे हमें अगेन बनाने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हमने यहाँ पे 14 चैन बनाए हैं। अब इस 14 चैन पे फंदे को लेंगे, 1, 2, 3। 3 वाले चैन पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर इसी तरह प्रत्येक हुक पे हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इसे हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखा दूँ। इस तरह से हमने टोटल फंदे पे ये जो है बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डबल क्रोशिया हमने बनाया। अब नेक्स्ट जो है 1, 2, 3 का चैन बनाएंगे और इसे पलटेंगे। पलटने के बाद एक, इसे स्किप करेंगे। यहाँ ये देखेंगे, इस तरह से हमने एक स्किप किया। नेक्स्ट पे हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगेन जो है नेक्स्ट पे बनाएंगे। यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है और 1 चैन लेंगे। अब इस पे सेकंड कलर लगाएंगे। सेकंड कलर के लिए हमें क्या करने होंगे कि एक नोट बनाना होगा सबसे पहले। ये देखिए, इस तरह से ये हमने नोट बनाया, इसे टाइट किया और इस फंदे से हमें निकाल लेना है, इसे टाइट कर लेना है इस तरह से। और फिर इस पर 1 चैन करने हैं, इसे थोड़े से टाइट रखना है, और इस फंदे को हमें साथ साथ रखना है। और इस क्रोशिया पे फंदे लेंगे और यहाँ देखेंगे, 1, 2, 3 फोर्थ पे हमें 1, 2, 3, 4 में हमें इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे हमने ये धागा को साथ साथ रखा है इस तरह से, और इसे थोड़ा सा खींचेंगे। 1 टाइम सेम हुक से फिर निकालेंगे, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम। हमने 6 टाइम निकाला। अब इसे बल्ब बनाएंगे इस तरह से। लास्ट वाला जो फंदा है इसके साथ में इसे ले लेंगे। अब क्या है ना कि इस पे 1, 2 का चैन बनाएंगे। 2 का चैन पर अगेन इस धागे को साथ में रखेंगे, और फिर उसी हुक पे जिस पे हमने बल्ब बनाया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 टाइम हमने बनाया, और फिर इसे हमें बंद करना है इस तरह से। 2 बार इसे बंद किया, अगेन 1 चैन लेंगे और इस धागे को ऐसे छोड़ देंगे पीछे की तरफ। अब इस धागे को आगे की तरफ लेंगे और इससे इस तरह से निकाल लेंगे, इसे थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अगेन इस पे 1 चैन लेंगे और फिर फंदे को लेंगे और यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 1, 2, 3rd पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2 और एक लास्ट का 3। तो यह कुछ इस तरह से बल्ब बीच में तैयार होगा, बगल बगल जालियाँ तैयार होगी। अगेन जो है 1, 2, 3 का चैन, फिर इसे पलटेंगे, और पलटने के बाद फिर हमें यहाँ एक स्किप करना है। नेक्स्ट पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने 2 बनाया,
नेक्स्ट अगेन बनाएंगे, नेक्स्ट हुक पे थर्ड बनाया, अब इस पे वन चैन लेंगे और फिर इस धागे को पीछे की तरफ से रखेंगे और इस धागे को अपनी ओर लेंगे और फिर इस पे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर एक चैन बनाएंगे, इस धागे को टाइट कर लेंगे और फिर इसे एक साथ रखेंगे, ऐसे यूँ रखने हैं और फिर इस बल्ब को और धागे को एक साथ लेते हुए अगेन हमें सिक्स टाइम जो है फंदे को निकालना है। ये देखिए, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम एंड सिक्स टाइम, और अगेन इसे बल्ब बनाना है। अब फिर बल्ब बनाने के बाद इस पर टू चैन बनाएंगे, वन टू चैन बनाया, अगेन फिर सेम इस पर दो वाले चैन पे, ये देखिए ये धागे हमारे इस तरह से साथ साथ चलेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर फाइव एंड सिक्स, फिर इसे बंद कर देने हैं यानी बल्ब को। देखिए इस तरह से वन चैन लेंगे और फिर इस धागे को पीछे की ओर छोड़ देंगे, ये देखिए इस तरह से पीछे की ओर हमने छोड़ दिया, इसे अभी लेने नहीं है। अब हमें एक ग्रीन वाले धागे को ऊपर की ओर करना है, इस धागे को पीछे की ओर रखेंगे, इसे साथ साथ नहीं लेना है, ये देखिए इसे टाइट कर देंगे और छोड़ देंगे। अब फिर इस पर वन चैन बनाएंगे और फिर ये इस धागे को बाद में हमें ये कर लेना है, फिनिशिंग टच दे देना है। अब देखिए एक ये स्किप करेंगे और इस पर यानी चैन वाले यानी हुक वाले जो स्पेस है उसे स्किप करना है और नेक्स्ट हुक पे जिसमें हमने थ्री बनाया है यानी थ्री डबल क्रोशिया बनाया है अंत तक, ये देखिए इस तरह से थ्री बनाया है और अगेन जो है फिर रिपीट करेंगे और रिपीट करते हुए इसे हमें 32 साइज, 36 साइज, 34, 40 जितने लेने हैं हम हमें माप के अनुसार ले लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये 32 का बनाया है, आप अपने साइज के अनुसार से बना लें। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।